उससे हफ्ते में केवल 3 लोग ही मिल सकते हैं। आज आरजेडी की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी समेत भोला प्रसाद यादव, रणविजय सिंह, अवध बिहारी चौधरी, उनके वकील चितरंजन प्रसाद ने लालू यादव से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जनता से मुलाकात की अनुमति ना दिए जाने से लालू जी दुखी हैं, इसको लेकर आरजेडी सरकार से बात करेगा। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक लालू का स्वास्थ्य सामान्य है। सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन इस तरह से देखने को मिल रहा है। हम जेल मैनुअल के नियम को भी पालन नहीं किया जा रहा है। एक आम कैदी नहीं है, वो पॉलिटिकल कैदी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव एक जननेता है और जननेता के साथ मिलने में कहीं कोई नहीं भाई। हम लोग अब जांच पड़ताल कर लीजिए, कुछ अगर हम कुछ लेके जा रहे हैं तो अब देख लीजिए, कोई हमारा आदमी कुछ लेके जा रहा था अब जाँच कर लीजिए, लेकिन मिलने पर पाबंदी एकदम कि नहीं कोई मिलेंगे तो ऐसा थोड़े होता है। हम देख रहे हैं दूसरा लोग आते हैं पीजी में चले जा रहे हैं, वो उस पर नाम कर रहे हैं फलना आदमी मिलने वाले कहाँ है, तो निश्चित थोड़ा सा लगता है मन में कैसा करती है क्या केवल भेदभाव किया जा रहा है। जेल में व्यवस्था जो नियम मैनुअल जो कहता है जो नियम है उसी की तरह हम लोग रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज 8 से 12 के बीच में आरजेडी की तरफ से कितने लोगों का? 3 आदमी गए ना अभी, एक तो बुला के ले आए हैं जो मिलने गए थे, कम से कम लोगों को अपने जो भी आरजेडी से बाहर से आए हैं उनको कन्विंस करेंगे और हम लोग व्यवस्था किए हैं कि जो भी आ रहे हैं उनका नाम नोट कर लेंगे। मुलाकात होगी नहीं, नाम नोट करके उनको दिखा देंगे कि ये भाई ईवी हो गया, जो भी सामान लाते हैं उनको जो है कि यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म में भर करके रख देंगे, हम लोग वहाँ पहुँचा देंगे बस। सर हमारे संपादक कुंदन कृतज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं इस मामले में और ज़्यादा जानकारी। कुंदन जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब से जेल गए हैं कल से लगातार देख रहे हैं कि पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है उनसे मिलने के लिए, अब जेल प्रशासन ने कुछ तय किया है नियमावली के कितने लोग उनसे मिल सकते हैं, आज और कौन कौन से लोग मिले हैं ज़रा इसको बताएं। देखिए सरोज, 23 तारीख को जब से लालू यादव RC 64A/96 के मामले में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जब से दोषी करार दिए गए हैं और उनका पता अस्थायी पता अभी रांची का होटवार जेल हो चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि लालू यादव के समर्थक, लालू यादव के शुभचिंतक जेल में मिलने के लिए उनसे हुजूम में पहुंचेंगे और ऐसे में जेल प्रशासन को इन तमाम समर्थकों को नियंत्रण में रख पाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जैसा कि पीछे भी हमने देखा कि जेल के सामने, जेल गेट पर, होटवार के केंद्रीय कारा के जेल गेट पर जिस प्रकार से समर्थकों ने नारेबाजी की या प्रदर्शन किया, वह कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो भावना थी लालू प्रसाद यादव से मिलने की वह पूरी नहीं हो पा रही थी, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से ये तमाम बातें हो रही थी। और आज जब जेलर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सप्ताह में केवल 3 मुलाकाती ही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर पाएंगे एक सप्ताह के अंदर, और वह मुलाकात भी मात्र 10 मिनट की होगी। आज मिलने वालों में राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी थी और बिहार बहादुरपुर के विधायक भोला यादव थे और इसके अलावा उनके 2 और समर्थक थे मौजूद और वकील थे। इन लोगों की मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव से और एक व्यवस्था के तहत यह निश्चित किया गया है कि जितने लोग भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करेंगे वह पर्ची में और आवेदन के द्वारा लालू प्रसाद यादव से मिलने की इच्छा जताने के बाद वह जेल गेट पर जमा करेंगे और यह तमाम पर्चियां लालू यादव को दिखाई जाएंगी और उनकी सहमति मिलने के बाद उन 3 मुलाकातियों का नाम तय होगा जिनसे वह अगले सप्ताह मिल सकेंगे। चूंकि इस सप्ताह में मुलाकातियों की संख्या पूरी हो चुकी है जेल मैनुअल के हिसाब से, तो अब इस सप्ताह किसी और व्यक्ति से मुलाकात हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है। हमें खबर यह भी मिल रही थी कि आज लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने जाने वाले थे, लेकिन जब जेल प्रशासन से ऐसी खबर आई तब जेल पहुंचे नहीं और अन्नपूर्णा देवी और भोला यादव ये तमाम लोग मिलकर वापस लौट चुके हैं। और समर्थकों के बीच में निराशा है क्योंकि जिस प्रकार से समर्थक जेल के अंदर जाकर लालू यादव से मिलकर अपनी अपने समर्थन की बात उनसे करते और उनके साथ खड़े होने की बात करते, तो कहीं ना कहीं समर्थकों में निराशा फैलना स्वाभाविक है। सरोज, एक बात और समझना चाहूंगा कुंदन जी, लालू यादव इसके पहले भी कई बार जेल गए हैं और इस जेल भी कई बार गए हैं, ये जो 2 दिन पहले चूंकि वो जेल गए हैं इसलिए ये माना जाए कि शुरू शुरू में इस तरीके की भीड़ रहेगी, रहती है उनसे मिलने के लिए, या फिर ये यूं ही चलता रहता है जब तक लालू प्रसाद जेल में रहते हैं?
देखिए लालू प्रसाद यादव जब तक होटवार में रहेंगे ये तमाम प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, और उनसे मिलने वालों की अगर बात करें तो बिहार से एक लंबा हुजूम उठकर आता है यहाँ उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके जितने विधायक हैं, लगभग 80 के ऊपर विधायक हैं बिहार में, और इन विधायकों की अपनी सॉलिडारिटी प्रूव करने का यही एक समय होता है कि वह जेल में आकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करें, पार्टी के आगे काम करने का दिशा निर्देश उनसे प्राप्त करें, उन्हें सांत्वना दें और अपनी सहमति और अपना समर्थन उन्हें व्यक्त करते रहें। और तमाम विधायकों के बीच में यह भी एक बात है कि लालू प्रसाद यादव से अगर कहीं मुलाकात वो नहीं कर पाते हैं इन दिनों के दौरान तो कहीं ना कहीं उनके नंबर काटे जाने की भी संभावना होती है। तो कुल मिला जुला कर कह लें कि बिहार से अब मुलाकातियों का लंबा काफिला यहाँ आएगा और मुलाकात करने की कोशिश करेगा, इसमें जेल प्रशासन को आने वाले समय में परेशानी अवश्य होगी। एक बात और देख रहा हूँ कुंदन जी, जब से ये फैसले आए हैं तब से आरजेडी कार्यकर्ताओं में मायूसी तो है, लगातार आक्रोशित भी हैं, तमाम लोग राजनीतिक षड्यंत्र की बात भी करते हैं और लगता है कि इस मुद्दे को आम लोगों तक भी पार्टी के नेता और कर्ता ले जाएंगे, ये कहते हुए जताने की कोशिश करेंगे कि ये सब साजिश का नतीजा है। देखिए सरोज, आपने बिल्कुल सब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया है। अब इसमें आपके सवाल के अंदर कई बिंदु हैं, उनका मैं बिंदुवार जवाब दे दूं। पहली बात, लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद जिस प्रकार से समर्थकों में आक्रोश है, निराशा है, जाहिर सी बात है दोषी करार दिए गए हैं तो समर्थकों में निराशा होगी, आक्रोश होगा और इसे राजनीतिक षड्यंत्र की संज्ञा भी दी जाएगी। रही बात उनसे मुलाकात करने का या तमाम जो भी चीजें हैं, तो उनसे मुलाकात करने का जेल मैनुअल के हिसाब से जो प्रोविजन है उसी प्रोविजन के हिसाब से जेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि उनसे मुलाकात कराई जाएगी। इसके अलावा सबसे अहम सवाल जो मैं बार बार इस बात की चर्चा करता रहता हूं कि लालू यादव या राजद की बात अगर कर लें तो फीनिक्स है, फीनिक्स चिड़िया जो अपने राख से पैदा होकर फिर से अपना प्रादुर्भाव करती है, फिर से पुनर्जन्म होता है उनका। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि राजद में ऐसी स्थिति है कि लालू प्रसाद यादव दोषी हैं, निर्दोष हैं, उन्होंने षड्यंत्र किया है, उन्होंने चारा घोटाले में हिस्सा लिया है, ये तमाम बातें बिल्कुल गौण हो जाती हैं। जब लालू यादव के समर्थकों के बीच बात की जाती है तो यही बात निकल कर आती है कि लालू यादव को फंसाया गया है। उनके समर्थकों को इस बात से कतई कोई मतलब नहीं होता है कि लालू यादव इस पूरे षड्यंत्र के हिस्सा रहे हैं, चारा घोटाले में वो दोषी हैं या नहीं हैं। और देखिएगा आने वाले समय में लालू यादव जब तक जेल में बंद हैं या जब तक उनके इस मामले में ऊपरी अदालतों से जमानत नहीं हो जाती है तब तक राजद कार्यकर्ता बिहार में तमाम जगहों पर घूम घूम कर इसी बात की चर्चा करेंगे कि उन्हें एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है और लालू यादव के समर्थक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर एकजुट होते हुए आपको दिखाई देंगे और यह एक राजनीति को नई दिशा देगा बिहार में आने वाले समय में। सरोज, एक चीज और देख रहा हूँ कुंदन जी कि लगातार जेडीयू और बीजेपी की ओर से ये हवा दी जा रही थी कि अब पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बगावत कर सकते हैं, उनके अंदर का जो ज़मीर है वो जगेगा और मुमकिन है कि वो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि फैसले आने के बाद से लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह हो, जगदानंद सिंह हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं और इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि लालू के गैर मौजूदगी के बावजूद पार्टी एकजुट है। देखिए सरोज, दो पार्टियों का उदाहरण मैं आपको स्पष्ट रूप से दे सकता हूँ। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आला कमान का दर्जा पाते हैं और इनकी बात ही कांग्रेस का संविधान बन जाती है। उसी प्रकार से चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह का कोई भी बयान हो, चाहे पार्टी के दूसरे नेताओं का कुछ भी बयान हो, लेकिन आज की इस परिस्थिति में कोई भी नेता लालू प्रसाद यादव की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द, एक वाक्य बोलने की या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और ऐसे में तमाम नेता, वो चाहे राजद के हों या राजद के बाहर के नेता हों, लालू प्रसाद यादव के विरोध में जाकर एक शब्द नहीं कह सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनका पूरा नैतिक समर्थन, उनकी सद्भावना, उनकी भावना, उनके सेंटीमेंट्स
तमाम चीजें लालू यादव और लालू यादव के परिवार के साथ खड़ी होंगी। और ऐसे में अगर तेजस्वी के खिलाफ एक शब्द भी कोई नेता अगर कहेगा तो वह राजद में उस नेता के खिलाफ एक विद्रोह को हवा देगा। और ऐसे तो इन परिस्थितियों में कह सकते हैं कि राजद के नेता हों या किसी दूसरे दल के भी नेता हों, वह लालू प्रसाद यादव के विरोध में जाकर एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटाने की स्थिति में है। और तेजस्वी निर्विवाद रूप से आने वाले समय में, वो चाहे समय कुछ भी हो, 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 1 महीना का हो, या लालू यादव जब तक जमानत नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक उन परिस्थितियों में आपको मैं यह स्पष्ट बता दूं कि तेजस्वी ही राजद का नेतृत्व करेंगे और राजद के तमाम नेता तेजस्वी की बातों को गंभीरता से लेंगे और उनके दिशा निर्देश पर ही राजद का संचालन होगा। सरोज, अच्छा एक चीज और समझना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है कुंदन जी, पिछली बार जब लालू प्रसाद जेल गए थे तो उस वक्त झारखंड में JMM और RJD कांग्रेस की सरकार थी, कई चीजें उनके अनुकूल भी थी, इस बार सरकार BJP की है, इसके बावजूद समझना चाहूंगा क्या हेमंत सोरेन और कांग्रेस की तरफ से भी मिलने की कोई बात हुई लालू प्रसाद से हाल के दिनों में? देखिए अभी तक ऐसी बातें नहीं सामने आई हैं कि कांग्रेस या झामुमो के कोई विधायक या सांसद या पार्टी सुप्रीमो जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करें, क्योंकि अभी राजद के समर्थकों का अपना ही अपने समर्थकों का हुजूम खड़ा है गेट के बाहर। अभी लालू प्रसाद यादव सेटल होंगे होटवार में, सेटल होने के बाद राजद समर्थकों का जो अभी आक्रोश है और जो जन समर्थन है होटवार गेट के बाहर, वहां से जब ये चीजें शिफ्ट होकर पटना आवास पहुंचेगी राबड़ी देवी के आवास पे, तब इन पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड विकास मोर्चा हो या झामुमो हो, इन पार्टी के नेता जाकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद एक राजद के बारे में या जो महागठबंधन की कवायद चल रही है उस पर एक गहन चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं सरोज, आने वाले समय में इस मुद्दे को बाकी तमाम पार्टियां जो विपक्ष में है, वो चाहे झारखंड में हो या बिहार में हो, बाकी तमाम पार्टियां इस मुद्दे को भुनाएंगी कि एक ही मामले में जगन्नाथ मिश्रा को जमानत दे दी गई, उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया, लेकिन उसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देकर जेल में बंद कर दिया है। यह दलितों के लिए, ये पीड़ितों के लिए, ये दबे कुचले लोगों के लिए यह एक नई साजिश है जो भाजपा सरकार के द्वारा रची जा रही है। आने वाले समय में आपको ऐसी बातें देखने को सुनने को और इस के आधार पर आपको विरोध के स्वर निकलते दिखाई देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका कुंदन कृतक हमारे संपादक। तो लगातार मुलाकात का दौर जारी है, लोग लगातार मिलना चाहते हैं, लेकिन जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से अब तय हो चुका है कि एक हफ्ते में 3 लोग ही मुलाकात कर पाएंगे। आ चुकी कई लोगों ने मुलाकात कर ली है, अब इस हफ्ते किसी और की मुलाकात होनी नहीं है। कटिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद तारिक अनवर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, उच्च न्यायालय न्याय की गुहार लगाई जाएगी उनके लिए, उम्मीद है फैसला हित में होगा और उच्च न्यायालय के फैसले पर उन्हें भरोसा भी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात चुनाव पर NCP कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर अपनी मजबूरी जाहिर की थी, अलग से चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने चुनाव प्रचार से खुद को अलग रखा। वहां BJP जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है, बनाने का सपना देख रही है, वो सपना ही रहेगा, क्योंकि गठबंधन और कांग्रेस की जो सरकार है कई और राज्यों में आने वाले दिनों में भी बढ़ सकती है और हम आने वाले दिनों में गठबंधन भी तेजी से करेंगे, खास करके 2019 तक में। वो जो पूरा मुकदमा चला उनके ऊपर चारा घोटाला का, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। उस समय जो विपक्ष में लोग थे, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू जिसको आज हम कह रहे हैं, पहले समता दल था, तो उन सब लोगों ने मिलकर मुकदमा चलाया था और हाईकोर्ट से फिर निर्देश हुआ कि CBI को ये केस दिया जाए। तो ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ये एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इसको इस्तेमाल किया। गुजरात के लोगों ने ये बता दिया, साबित कर दिया। 2014 में गुजरात के चुनाव में 165 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई थी, वो घटकर 3 साल के अंदर वो घटकर आज 99 पे आ गई। तो इसी से मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जब गुजरात जैसे राज्य में जो प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहाँ जब ये स्थिति है
तो देश के दूसरे राज्यों में।